टॉप 5 मिथ अबाउट अमेरिकन पिटबुल। अमेरिकन पिटबुल के बारे में 5 ऐसी बातें जिन्हें लोग गलत समझते हैं। तो दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा अमेरिकन पिटबुल को सबसे खतरनाक डॉग्स के ब्रीड में नंबर 1 पे रखा गया है। नंबर 5, पिटबुल एक कंप्लीट ब्रीड का नाम नहीं है। पिटबुल वर्ड सिर्फ डॉग का फिजिकल लुक रिप्रेजेंट करता है। पिटबुल में भी अलग अलग ब्रीड्स होती है, जैसे अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर, ब्लू ब्लड बुलडॉग और डॉगो अर्जेंटिनो। ये तो मैंने आपको कुछ ही बताई है। ऐसी ब्रीड्स पिटबुल में 100 से भी ज़्यादा होती है जो कि क्रॉस ब्रीडिंग से आती है। अमेरिकन पिटबुल ही एक लौती ऐसी ब्रीड है जो पिटबुल की प्योरेस्ट ब्रीड है और जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग के एक भी जीन्स पाए नहीं जाते। नंबर 4, पिटबुल्स पैदा ही लड़ने के लिए होते हैं। तो गाइज, ये मिथ बिल्कुल फॉल्स है। पिटबुल भी बाकी डॉग जैसे फ्रेंडली होते हैं और उनको भी दूसरे डॉग की तरह ट्रेन करना पड़ता है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ में पिटबुल को सिर्फ इसीलिए ट्रेन करते हैं ताकि वो डॉग फाइट में पार्टिसिपेट कर सके, और ये डॉग फाइट मोस्टली इतनी खतरनाक होती है कि इसमें हमेशा एक डॉग ही बचता है। यदि इसमें कोई डॉग हार जाता है तो उसे बिजली का झटका यानी कि इलेक्ट्रोक्यूशन देके मार दिया जाता है। तो गाइस, आप ही बताइए ज़्यादा खतरनाक कौन हुआ, पिटबुल या हम? नंबर 3, पिटबुल शुरू से ही नेचुरली अग्रेसिव होते हैं और किसी को भी देख के काट लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पिटबुल भी बाकी डॉग्स की तरह ही फ्रेंडली होते हैं, पर एक बार ट्रेनिंग देने के बाद उनका नेचुरल टेम्परामेंट बाकी डॉग से कंपैरिजन में 80% यानी कि 80% तक बढ़ जाता है। फेमस डॉग ब्रीड जैसे कि बियर्डेड कॉलीज और चिहुआहुआ, जो कि काफ़ी फ्रेंडली माने गए हैं, एक अनट्रेन्ड पिटबुल इनसे कहीं ज़्यादा फ्रेंडली होता है। तो अगली बार अगर आप किसी पिटबुल से मिले तो उसे डरिएगा मत। नंबर 2, पिटबुल के पास लॉकिंग जॉज होते हैं। लॉकिंग जॉज का मतलब होता है कि अगर एक बार डॉग ने कुछ बाइट कर लिया तो उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा उस चीज़ को होल्ड रखने के लिए। उसके जॉज ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे, पर यह कैपेबिलिटी पिटबुल के पास नहीं होती। फिर भी पिटबुल का इतना ज़्यादा बाइट फोर्स होता है कि अगर वो एक बार किसी चीज़ को पकड़ ले तो उसको आसानी से नहीं छोड़ते। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका डिटर्मिनेशन और एग्रेशन होता है। तो अगली बार किसी पिटबुल को चिढ़ाने से पहले ये डिसाइड कर लेना कि आपको अपना कौन सा बॉडी पार्ट निकलवाना है। नंबर 1, पिटबुल का बाइट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। किसी भी ब्रीड के डॉग्स का बाइट रेट ये डिफाइन करता है कि पूरे एक साल में उस ब्रीड के डॉग्स ने कितने लोगों को काटा है। यदि हम पिटबुल की बात करें तो अमेरिका में पिटबुल ही एक लौती ऐसी ब्रीड है जो कि सबसे खतरनाक अटैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने 13 साल के पीरियड में टोटल 284 लोगों की जान ली है। जबकि देखा जाए तो अमेरिका में यह डॉग ब्रीड सिर्फ 6.5% है टोटल डॉग्स पॉपुलेशन का, जो कि काफ़ी कम है। तो वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।